आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। लास्ट क्लास में अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ओपन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया हुआ था, उस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बेसिस पर हम लोग क्या निकाल रहे थे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाल रहे थे। आज भी हम लोग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ही निकालना चाहते हैं, पर दिस टाइम बाय यूजिंग सम अदर मेथड कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। तो लिखिए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड कैन बी यूज्ड, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस, टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस। इसके अंदर हम लोग को दो अलग अलग रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है, दैट इज एक्सप्रेशन निकालना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं कौन सा निकाल रहा हूं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन निकाल रहा हूं। तो आप लोग भी हेडिंग डाल लीजिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इंप्लाइज, लिखिए उसके नीचे, अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इंप्लाइज दैट द रिएक्शन इज प्रपोर्शनल टू, द रिएक्शन इज प्रपोर्शनल टू जीरोथ पावर ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जीरोथ पावर ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। डन। रेट दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक तो ये और दूसरा माइनस डी कंसेंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी, बाई डी टी। अब ये दोनों के दोनों रेट हैं, दोनों रेट को आप क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, दैट इज माइनस डी कंसेंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ ए के पावर जीरो। और जैसा आप जानते हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ एनीथिंग टू पावर जीरो इज इक्वल टू व्हाट, वन। देयरफॉर अब आप क्या लिख सकते हैं, माइनस डी कंसेंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी इज इक्वल टू किसके बराबर, के के बराबर। तो डी कंसेंट्रेशन ऑफ ए कैन बी रिटन एज माइनस के डी टी के बराबर, ये आप लिख सकते हैं। कोई डाउट है तो पूछिए। नाउ व्हाट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब आप क्या करिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड आप क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा डी कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी, और इस साइड भी आपने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, दोनों साइड भी आपने इंटीग्रेट कर दिया। जब आप लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो आ जाएगा कैपिटल ए, ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू माइनस के, आप बाहर निकाल लीजिए, और इसको जब आप इंटीग्रेट करिएगा तो ये आ जाएगा टी, लेकिन साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आई भी आएगा, आएगा ना, क्या बोले, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आया, आई आया। जब कभी भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आई आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या लेना पड़ता है, इनिशियल कंडीशन। व्हाट इज इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन इज एट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी लिखते हैं ना, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो द इनिशियल कंसंट्रेशन इज ए नॉट के बराबर, ए नॉट के बराबर। तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे कंसंट्रेशन किसके बराबर है, ए नॉट के बराबर है, ए नॉट के बराबर है। बाय यूजिंग दिस इनिशियल कंडीशन इन इक्वेशन नंबर वन क्या करेंगे, आपका क्या इक्वेशन है, ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, इनिशियल कंडीशन पुट करिएगा, ए जो है वो ए नॉट में बदल जाएगा, माइनस के टी टाइम क्या हो जाएगा, जीरो प्लस आई के बराबर।
तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आई आपका क्या निकल के आ गया, ए नॉट निकल के आ गया। इसको आप वापस से इक्वेशन में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। अब इक्वेशन में पुट करिएगा, आपका नया इक्वेशन क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। अब ए नॉट बड़ा है, ए छोटा है, के टी को इधर ले आइए, के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए, और यहाँ से के क्या निकल के आएगा, ए नॉट, ए नॉट माइनस ए बाय टी, एंड दिस इज दी एक्सप्रेशन फॉर के फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए बाई टी। ए नॉट बड़ा है ना, जब आप ग्राफ नहीं याद है, जब हम लोग रिएक्टेंट वर्सेस प्रोडक्ट का ग्राफ ऐसे बनाते हैं तो याद करिए ना, कंसंट्रेशन कैसा बनाए थे, ये ऐसे घटता है ना रिएक्टेंट, इनिशियली रिएक्टेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, और फाइनली रिएक्टेंट क्या होता है, कम होता है। तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि ए नॉट क्या है, बड़ा है कंसंट्रेशन ऑफ ए से, तो इसीलिए बड़ा माइनस छोटा डिवाइडेड बाय दिस किया और आपका आंसर आ गया, डन। तो ये आपका के का एक्सप्रेशन है, लिख लीजिए। दिस इज नोन एज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये जो एक्सप्रेशन अभी आया है इसी के बारे में कह रहे हैं, दिस इज नोन एज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन डन। बड़े आगे इस इक्वेशन को जब आप ध्यान से देखिएगा ना, तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है, ठीक है। तो उसको भी देखते हैं, ग्राफ प्लॉट करना है हम लोगों को, वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन, ग्राफ प्लॉट करिए बिटवीन कंसंट्रेशन ए वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन ए की जगह पर डायरेक्टली ऐसा भी लिख देते तो ठीक ही था, कंसंट्रेशन ए वर्सेस टाइम। इक्वेशन को ध्यान से देखिए, कंसंट्रेशन ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस कंसंट्रेशन ए नॉट है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मेट है, जहाँ पर स्लोप जो है वो माइनस के दिख रहा है और इंटरसेप्ट जो है वो ए नॉट दिखाई दे रहा है, यानी एक ग्राफ जो कुछ ऐसा बनेगा, जहाँ पर ये जो स्लोप है वो किसके बराबर टच हो जाएगा, तब तो पूरा प्रोडक्ट बन गया, हमने क्या पता कहाँ पे रिएक्शन रुका हुआ है, माइनस के और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा, ए नॉट होगा, और यही आपका इंटरसेप्ट है ना, दिस इज योर इंटरसेप्ट, सी यही है, तो ये इंटरसेप्ट और ये आपका क्या आ गया, ग्राफ आ गया, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, डन। और रेट वर्सेस कंसंट्रेशन कैसा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन, जीरो ऑर्डर है मतलब नो डिपेंडेंसी यानी पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, तो ये लिखवा दें कि समझ गए, एक लाइन में लिख लीजिए, नोट डाल के एक लाइन में लिख लीजिए, द ग्राफ बिटवीन रेट एंड
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। डन। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, तो आप माइनस के ऐसा बोल सकते हैं। हेडिंग डालिए हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, हेडिंग डालिए हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नहीं भाई, अभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन चल ही रहा है ना। हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ हाफ लाइफ इज कि रिएक्शन जो है उसमें कंसंट्रेशन कब आधा हो गया। पहले आप डेफिनेशन लिखिए, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन विच कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन। उसके बाद लिखिए क्या बोला था, इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। यानी कोई एक रिएक्शन हो रही है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, ए से किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, ए नॉट है और ये जीरो है। वो समय जिसको हम लोग टी हाफ कहते हैं उसमें इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाना चाहिए, इनिशियल कंसंट्रेशन बाई टू हो जाना चाहिए। जिस समय पर वो टाइम पीरियड जिस पर कंसंट्रेशन रिड्यूसेस टू व्हाट, हाफ, कंसंट्रेशन रिड्यूसेस टू हाफ इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। तो आप के का क्या फॉर्मूला जानते हैं, के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ए नॉट माइनस कंसंट्रेशन ए बाई टी। अब अगर मुझे टी हाफ निकालना है तो मैं पहले समय लिख देता हूं, टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए नॉट माइनस ए बाई के। अब मुझे टी हाफ निकालना है तो टी हाफ आप क्या लिखिएगा, टी हाफ इज द टाइम पीरियड एट विच द कंसंट्रेशन रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल कंसंट्रेशन। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, टी हाफ इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, ऊपर a naught by 2 k, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। डन। ये आपका आ गया आंसर, लिख लिए हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। डन। अब यहां से मुझे क्या समझ में आ रहा है, मुझे दो बातें समझ में आ रही है, क्या टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक तो इनिशियल कंसंट्रेशन है, और दूसरी बात जो समझ में आ रही है टी हाफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, के है। ये दो बातें और यहां से मुझे समझ में आ रही हैं। डन।
by definition, when the initial concentration becomes, the final concentration becomes half of the initial concentration. तो final concentration A था, वो क्या हो जाना चाहिए? आधा हो जाना चाहिए. और जिस क्षण वो आधा हुआ, वही समय को क्या बोलते हैं? T half बोलते हैं. डेफिनेशन यही तो लिखे हैं अभी. जीरो पर आपका ये कंसंट्रेशन है, जिस पर कंसंट्रेशन आधा हो गया वो जो समय है उसी को तो टी हाफ कहते हैं. तो यही तो लिखे हैं. डन. ये इसकी डिपेंडेंसी है. किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है. क्या हो गया? कोई बहुत तेज याद कर रहा है तुमको दिल? नहीं नहीं, अरे आजकल अब सब चेंज हो गया. पहले पढ़ाई तुम कैसे करते थे? कॉपी किताब और बुक से और टेबल चेयर पर बैठ के. अब बच्चा सो के पढ़ता है, मोबाइल से पढ़ता है, सब चीजें बदल रही है. तो पहले होता था कि कोई याद किया तो हिचकी आया, अब आता है खांसी. तो कोई जरूर बहुत प्यार करने वाला बहुत इंटेंसिटी से याद कर रहा है. वो बात अलग है कि मेरे को देखते ही तुम्हारा वो जो इंटेंसिटी है वो डाउन हो गया, इसलिए खांसी बंद हो गया. नहीं हो गया. जीरो ऑर्डर रिएक्शन समाप्त हुआ. हेडिंग डालिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वापस से रिएक्शन तो अभी भी वही लिखेंगे. क्या लिखेंगे? A is getting converted to what? Product. लेकिन रेट क्या लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू K टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ A के पावर 1. और जो दूसरा रेट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? माइनस D टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ A के पावर dt. यहां तो कहीं कोई डाउट नहीं है, यहां कहीं कोई डाउट नहीं है, ये तो ऐसे ही लिखाएगा. डन. दोनों रेट में कोई डाउट है तो पूछिए. नहीं. अब चूंकि दोनों ही रेट हैं, आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं? इक्वल करके लिख देते हैं. डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए. यहां से आप डी कंसंट्रेशन ऑफ ए कैन बी रिटन एज डी कंसंट्रेशन ए बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी. इस वाली लाइन तक समझ में आया तो बोलिए. हमने बस क्या किया है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सारी चीजों को जिस जिस तरह का था उस तरह पर ले आया. अब आपको अगले स्टेप पर क्या करना है? इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड. इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड. इंटीग्रेट करना है बोथ दी साइड. जब आप बोथ साइड पर इंटीग्रेट करिएगा, यहां पर है माइनस, सॉरी माइनस तो उधर ले जा चुके हैं. डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के टी. के टी डी टी, के टी डी टी है ना, दोनों साइड इंटीग्रेट किए. वन बाई एक्स डी एक्स इज एल एन एक्स. वन बाई एक्स डी एक्स क्या होता है? एल एन एक्स होता है कि नहीं होता है? वन बाई एक्स डी एक्स पढ़े थे ना क्लास, तभी पढ़े थे, 11 में तो मैंने पढ़ाया था. तो आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं, हमसे ज्यादा इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं. वन बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? एल एन एक्स होता है. तो ये क्या हो जाएगा? एल एन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के टी स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. क्या लगेगा ये के स्क्वायर क्या होगा? देखिए इसको टी स्क्वायर बाई टू ही होगा ना, देखिए तो सही लिखे ना, माइनस के टी स्क्वायर बाई टू. सही लिखे गलत लिखे यार, गलत लिखवा दिए. अरे के टी डी टी कहाँ है रे भाई? के डी टी है. सॉरी सॉरी सॉरी, हमने गलती से एक एक्स्ट्रा टी लिख दिया यहाँ पे. गड़बड़ा काहे गड़बड़ा रहा है? अब ये क्या हो गया? ये के टी आ जाएगा. के डी टी है ना, ये आ जाएगा के टी, ये आ जाएगा के डी टी, और के डी टी का क्या हो जाएगा? के टी हो जाएगा. अब सही है. अब यहाँ पे क्या करेंगे? यूजिंग इनिशियल कंडीशन, यूजिंग इनिशियल कंडीशन. क्या है इनिशियल कंडीशन? द इनिशियल कंडीशन इज एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो
कंसंट्रेशन जो ए है वो किसके बराबर है, ए नॉट के बराबर है। पुटिंग दी वैल्यू क्या आ जाएगा, ln ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, ये वाली वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। आई का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, ln कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट आ गया। क्लियर, यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं, नॉट मान इनिशियल कंसंट्रेशन बाहर। बड़े आगे, अब आप उसकी वैल्यू को वापस से कहां पुट कर दीजिए, ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दीजिए। एल एन ए इज इक्वल टू माई के टी प्लस एल एन ए नॉट। अगली लाइन पर इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, के टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट, एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए। कोई डाउट है तो पूछिए। यहां से के इज इक्वल टू इसको एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए बाई टी भी लिखा जा सकता है, या फिर के इज इक्वल टू वन बाई टी एल एन ए नॉट बाई ए भी लिखा जा सकता है। लिख सकते हैं ना, ये मेरे ख्याल से आपका क्या बनना चाहिए, डब्बा बन जाना चाहिए। ये आ गया आपका एक्सप्रेशन, पर एल एन के टर्म्स में ना रख के हम लोग चाहते हैं लॉग के टर्म्स में रखना। तो के इज इक्वल टू क्या होगा, 2.303 बाई टी लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल कंसंट्रेशन। और ये जो आया ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। ये आपका क्या आया, फाइनल एक्सप्रेशन आया। देन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डन, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड फर्स्ट लॉ, इंटीग्रेट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको वो वाला फॉर्मूला लगाना होगा, के इज इक्वल टू वन बाई टी एल एन ए नॉट बाई ए। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, टी क्रॉस मल्टीप्लाई होके के टी हो गया, ये कितना आ गया एल एन ए नॉट बाई ए। अगले पेज पर जाएं कि यहीं लिख देते हैं, ई रेज टू द पावर ये क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई ए इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर, ई रेज टू द पावर के टी और अगर मैं ए के टर्म्स में लिखूं ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट, ए नॉट ई रेस्ट पर माइनस के टी। और ये आपका क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल टर्म्स में ए इज इक्वल टू ए नॉट ई रेस्ट पर माइनस के टी। क्या
अब एलएन में जो ये होता है बेस होता है वो तो ई होता है, तो इधर आ गया कहीं पे थ्री इज इक्वल टू अगर लिखा है log 5 रेस टू द पावर 10, तो 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 रेस पावर 3 होगा ना। यहाँ जो रहता है वो ये क्या है, ये पावर है, ये बेस है और ये नंबर है, ऐसे ही ना आता है log, भूल गए क्या log पढ़े थे 11 क्लास में? हाँ, तो इसीलिए डन। ग्राफ प्लॉट कीजिए एलएनए वर्सेस टाइम, ग्राफ बिटवीन एलएनए वर्सेस टाइम, ग्राफ बिटवीन एलएनए वर्सेस टाइम, एलएनए वर्सेस टाइम क्या होगा, एलएनए वर्सेस टाइम ग्राफ। तो आप इक्वेशन क्या लिखे थे, केटी इज इक्वल टू एलएनए, नहीं एलएनए नॉट माइनस एलएनए लिखे थे ना, देखिए तो ये लिखे थे क्या, देखिए तो ये एक्सप्रेशन लिखे थे ना हम लोग, अगर ये एक्सप्रेशन लिखे थे थोड़ा बहुत अल्टी पल्टी करते हैं, सॉरी थोड़ा अल्टी पल्टी करते हैं, तो यहाँ के क्या लिखेंगे, एल एन ए इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, माइनस के टी प्लस एल एन ए नॉट, ठीक है, इसको कंपेयर कीजिए, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जब आप इसको कंपेयर कर रहे हैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो क्लियरली आपको दिख रहा है, क्लियरली आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये वाई है, एक्स जो है वो टाइम एक्सिस है, तो स्लोप किसके बराबर हो गया, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के बराबर, और इंटरसेप्ट सी किसके बराबर है, एल एन ए नॉट के बराबर। तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, और इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस के, और इंटरसेप्ट यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एल एन ए नॉट हो जाएगी, और यही यहाँ का क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा। तो ये ग्राफ है बिटवीन एल एन ए वर्सेस टाइम, एल एन ए वर्सेस टाइम, डन। तो ये बना लीजिए अपनी कॉपी में एल एन ए वर्सेस टाइम ग्राफ, ये बनाइए, तब जल्दी से दूसरा ग्राफ भी देखते हैं। बस याद रखिएगा इक्वेशन अगर याद है तो आप कोई भी ग्राफ फट से प्लॉट कर लेंगे, इक्वेशन याद रहना चाहिए बस। देन राइट लॉग ए नॉट वर्सेस ए, लॉग ए नॉट वर्सेस ए, लॉग ए नॉट वर्सेस ए का ग्राफ आप बना रहे हैं, लॉग ए नॉट बाई ए ग्राफ आप बना रहे हैं टाइम एक्सिस के साथ। तो एक्सप्रेशन देखिए, जहाँ पे आपने लॉग ए नॉट वर्सेस ए लिखा है वहाँ पे आपको याद होगा एक जगह पर ऐसा आया है जहाँ पे हम लोग लॉग ए नॉट वर्सेस ए लिखे हुए हैं, देखिए तो कहाँ पे है, ये एल एन को लॉग में यहाँ बदले है ना, यहाँ देखिए यहाँ पे आप बदले हैं तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए हो जाएगा, करें ये एक्सप्रेशन ध्यान है, इसी एक्सप्रेशन से बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब आप देखिएगा तो ये आ रहा है के टी बाई 2.303 इज इक्वल टू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ए नॉट बाई ए। अब इसको आप y इज इक्वल टू एम एक्स से क्या कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए, तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स, एक्स एक्सिस पर टाइम है, y पर ये है, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आ रहा है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप हार्ड बे स्लोप इज इक्वल टू आ जाएगा k बाई 2.303, और इंटरसेप्ट तो जीरो है बिकॉज y इज इक्वल टू एम एक्स का इक्वेशन सॉल्व हो रहा है, ठीक है, क्या कह रहे हैं, एक मिनट।
ए नॉट बाई ए बोला है ना, हम लोग के एक्सप्रेशन में ए नॉट बाई ए ही है ना, ए नॉट बाई ए प्लस आएगा, ठीक है। हाँ कहाँ करें बोलिए, एल एन ए वर्सेस टाइम ग्राफ, हेडिंग डालिए हाफ लाइफ और हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बड़े आगे ये भी हो गया, हाफ लाइफ फॉर ये एल एन ए नॉट ए वर्सेस टाइम का ग्राफ, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ का डेफिनेशन तो वही रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं। ए अगर क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे इसका कंसंट्रेशन कितना है, ए नॉट है, तो वो समय जिस पर इसका कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या हो जाए, आधा हो जाए, उसी टाइम को आप क्या कहते हैं, टी हाफ कहते हैं, दिस इज ओनली कॉल्ड एज टी हाफ। तो ये आपका डन। तो आपने टाइम का एक्सप्रेशन अभी क्या निकाला, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम विच यू हैव फाउंड आउट, टाइम का एक्सप्रेशन आप निकाले हैं टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब जिस समय पर कंसंट्रेशन आधा हो जाए तो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ए नॉट बाई कंसंट्रेशन ए नॉट बाई टू। इसको अगर आप देखिएगा ठीक से तो ए नॉट और ए नॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और आपका जो टी हाफ है वो क्या आ जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू लॉग टू। यहाँ तक कोई डाउट है, ए नॉट बाई टू आधा हो रहा है कंसंट्रेशन, अरे बाई डेफिनेशन तो वही है ना, तो टी हाफ क्या आ गया, टी हाफ आया 2.303 बाई के लॉग टू का वैल्यू 0.3010। लॉग टू का वैल्यू क्या होता है 0.3010, एक बार चेक कर लीजिए तो हम सही लिख रहे हैं गलती लिख रहे हैं, सही लिखे हैं। टी हाफ इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा आएगा 0.693 बाई के, 0.693 बाई के, और ये क्या है टी हाफ का वैल्यू है। यहां से क्या बातें समझ में आ रही हैं, यहां से पहली बात समझ में आई, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन देख पा रहे हैं, वहां कोई इनिशियल कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन नहीं है। और दूसरी बात जो समझ में आ रही है कि टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट के, रेट कांस्टेंट के। डन। तो ठीक से अगर आप देखिएगा तो आपको एक चीज यहां से कंफर्म हो रहा है, ध्यान से देखिए, जब हम लोग पहले वाले रिएक्शन में टी हाफ देखे हैं, यहां पे जो टी हाफ आया है यानी जीरो ऑर्डर के लिए जो टी हाफ आया है, इसको अगर आप देखिएगा तो ये ए नॉट बाई वन बाई के आया, यानी के का एक्सप्रेशन तो सब में है, वो भी किसमें है, नीचे, के का एक्सप्रेशन तो सब में क्या है, नीचे है। तो एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन अगर हम लिखने की कोशिश करें तो लिखिए
जनरल एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ, वैसे तो जनरलाइज होता है जब हम सेकंड ऑर्डर का भी निकालते, पर आपके सिलेबस में जीरो और फर्स्ट ऑर्डर ही है, इसे सेकंड नहीं निकाल, लेकिन सेकंड निकाल लेते तो जनरलाइज हो जाता। पर डायरेक्टली लिख लीजिए, जनरल एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, एटलीस्ट दो के साथ तो कंपेयर कर ही सकते हैं। पहला वाला टी हाफ आया था कंसंट्रेशन ए नॉट बाई टू के, दूसरा वाला टी हाफ आया है 0.693 बाई के, यानी पहले में कंसंट्रेशन ए नॉट के पावर वन है, दूसरे में कंसंट्रेशन ए नॉट के पावर जीरो हो गया। तो अगर मैं सेकेंड ऑर्डर के लिए शायद लिखता तो कंसेंट्रेशन ए नॉट के पावर क्या आना चाहिए था, माइनस वन आना चाहिए था, और नीचे कुछ के होता, हो सकता है कुछ कांस्टेंट यहां पर एक्स मल्टीप्लाई हो जाता। इस सब को जनरलाइज करके आप ये लिख सकते हैं कि टी हाफ इज इक्वल टू, या इक्वल टू तो नहीं लेकिन प्रोपोर्शनल टू लिख सकते हैं, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज ए नॉट के पावर वन माइनस एन, वन माइनस एन। ये जनरल एक्सप्रेशन एक आप लिख सकते हैं। अब आप पहले वाले में पुट करिए, जीरो ऑर्डर ये किसके लिए है, अरे वो तो सब में है, हम तो बस ए का डिपेंडेंसी चेक कर रहे हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो आप पहले वाले में पावर वन है तो वन माइनस जीरो ऑर्डर, तो जीरो कर दिए ए आ गया। सेकंड वाले में अगर वन डाले तो वन माइनस वन जीरो, खत्म हो गया। सेकंड वाले में वन माइनस टू किए तो ये माइनस टू हो गया। तो ये आपका जनरल एक्सप्रेशन टी हाफ का निकल कर आ गया। डन। इससे आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो टॉपिक है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन एग्जाम में दो ही चीज पूछा जाता है, एक चीज जो इसका डेरिवेशन पूछ लेता है, या तो आपसे टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पूछ लेगा, या फर्स्ट ऑर्डर का पूरा डेरिवेशन पूछ लेगा, के कांस्टेंट या कोई भी टी का एक्सप्रेशन। सेकंड ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि ग्राफ देख के बताइए कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है। एलएन का जैसे ही वहां टर्म आया मतलब फर्स्ट ऑर्डर, और डायरेक्टली अगर कंसंट्रेशन लिखा हुआ है तो कौन सा ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, तो ये तो ग्राफ से पहचान लीजिएगा। तीसरा जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है वो आता है न्यूमेरिकल। तो आज हम लोगों ने पहला दो पार्ट लगभग क्लियर कर लिया, ग्राफिकल एंड डेरिवेशन वाला पार्ट। अगला एक क्लास लगभग 6 से 7 सवाल मैं आपको इसके ऊपर, जो सवाल न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उसके ऊपर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, और उसके बाद एक लास्ट क्लास होगी जिसमें हम लोग कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे, और यह चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट ऑन दी वर्ज ऑफ कंप्लीशन है यह चैप्टर, छोटा चैप्टर था, मेरे ख्याल से 7-8 लेक्चर में ये पूरा खत्म हो जाता है, कम मेहनत में ज्यादा फल वाला चैप्टर है। तीनों फिजिकल जो है केमिस्ट्री का, चाहे सॉल्यूशन हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, और कि केमिकल काइनेटिक्स हो, 25 नंबर के आसपास का सवाल, 25 से 26 नंबर का सवाल यहां से पूछा जाता है। मार्क स्कीम जो है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, इसको आप ध्यान से अगर पढ़िएगा 25 में 25 आने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल है, सीधा सीधा क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आएगा, कोई दिमाग लगाना नहीं है। अगर आपने वैसा न्यूमेरिकल देखा है या सॉल्व किया तो बड़ी आसानी से आपसे ये सवाल बन जाएगा। तो ये जैसे ही खत्म होता है इसके बाद लास्ट 10 ईयर आप फिजिकल केमिस्ट्री का लगाना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले जो पहला काम होगा, एनसीईआरटी बनाइए, एनसीईआरटी पढ़िए, हमारे नोट्स को पढ़िए, स्कूल में टीचर लिखवा रहे हैं उसको पढ़िए, एनसीईआरटी बुक को पढ़िए, दिनेश पढ़िए, पढ़ने के बाद एनसीईआरटी लगाइए। एनसीईआरटी लगाने के बाद पहला काम क्या करिए, लास्ट 10 ईयर, लास्ट 10 ईयर देखने से पता लगेगा ना कि किस टॉपिक से किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है और कहां पर मुझे और एफर्ट डालना है। उसके बाद सेकेंड पार्ट में आता है कि आप लास्ट 10 ईयर जब एनालिसिस कर लिए तो कुछ क्वालिटी क्वेश्चन के लिए एक आध आप अच्छा बुक सॉल्व कीजिए, चाहे एग्जाम आइडिया पकड़ लीजिए वही सॉल्व कर जाइए, या रचना सागर की टुगेदर वूथ है उसको पकड़ लीजिए उसको सॉल्व कर लीजिए, कुछ भी एक कोई किताब को आप पकड़ के उसको अंत से अनंत तक सॉल्व कर लीजिए।
इतना अगर कोई बच्चा कर लेगा तो उसके केमिस्ट्री में लास्ट ईयर अनुष्का 100 में 99 मार्क्स लेके आई, तो वो ला सकती है तो आप लोग भी ला सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि कुछ चमत्कारी उसको हमने अलग से पढ़ाया है, आप लोग को तो ज्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, उन लोगों को तो कॉपी किताब पर हाथ से लिख कर पढ़ा रहे थे, तो बहुत बेटर आप लोग का है। और क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल आप लोग को ज्यादा करवा रहे हैं, उन लोगों को तो इतना न्यूमेरिकल भी नहीं करवाते थे। देन ऑल्सो शी गॉट 99 मार्क्स, तो आप लोगों को तो 100 में 100 लाना चाहिए क्या। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए कि सब्सक्राइब करिएगा तो जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप उसे देख पाएंगे। बहुत जल्दी हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रवेश करने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर स्टार्ट होगा, फिजिकल केमिस्ट्री अबाउट टू कंप्लीट है। अगर आपने ये सारे वीडियोस पहले के नहीं देखे हुए, जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है सॉल्यूशन का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का और केमिकल काइनेटिक्स का, पहले इसको कंप्लीट कीजिए और फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। इट विल टेक अराउंड 1 मंथ। अच्छे से पढ़िए, डेली पढ़िए, मेहनत करिए और 100 में 100 केमिस्ट्री में लेके आइए। थैंक यू।